साथियों, अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने, कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े हैं। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुलकर के राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैं ये बात देश को साफ साफ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहब के संविधान की भी परवाह नहीं है। और आपको पता होगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा, दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी, उनकी सरकार कहते हैं। साथियों, आज हनुमान जयंती पर आपसे बात करते हुए मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर भी याद आ रही है। हो सकता है आप में से बहुतों तक ये खबर नहीं पहुंची होगी, मीडिया का काम था ये बात पहुंचाए लेकिन नहीं पहुंचाई होगी। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहू लुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए, अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी
भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहू लहान कर दिया गया। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ, बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करने की कोशिश की। इस देश की में जब संविधान बना तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था, ताकि हमारे एससी एसटी ओबीसी समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे। लेकिन उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था और उस सभा में मैं मौजूद था मुख्यमंत्री के नाते, मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। और ये संयोग नहीं था और ये अकेला बयान नहीं था, कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है, वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की, एससी एसटी को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते बूझते किए कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, बाबा साहब आम्बेडकर की परवाह नहीं की। जब कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने, जब हमें मौका मिला तो हमने पहला काम किया, उन्होंने जो एससी एसटी से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्म कर दिया और जिनका हक था उनका हक सुरक्षित रखा।